गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउ, है ना, ऑफिशियली। चलिए, सो एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी लोगों को आने देते हैं। गुड मॉर्निंग कालका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नाउ, है ना, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो अगर बात डेफिनेशन की जाए तो नाउन का सीधा सीधा मतलब, पहले तो मैं आपको बता दूं, नेम होता है, ठीक है। नाउन का सिंपल सा मतलब नेम होता है, ये आपका लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। सो नाउन इज इक्वल टू नेम, ठीक है। इट्स लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। बाकी पुरानी डेफिनेशन तो आप सबको पता ही होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो वहां पे भी हम लोग यही पढ़ते हैं कि किसी भी चीज का जो नाम होता है, किसी भी चीज का जो नाम होता है उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एनी नेम दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग, इज अ नाउन। कोई भी नाम जो कि हमें बताता है किसी इंसान के बारे में, या फिर कोई भी जगह, कोई भी चीज, बीट एनिमल और एनीथिंग एल्स, है ना।
तो कुल मिला के आप सिंपल याद रख सकते हैं कि कोई भी जो नाम होता है ना, नेम ऑफ एनी थिंग इज अ नाउन एक्चुअली। और अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम ना होता हो, एवरीथिंग हैज इट्स ओन नेम। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो भी हमारे आसपास हम लोग देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं वो सब कुछ नाउन ही नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी दैट वी कैन सी एंड थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी, जैसे आपका लैपटॉप नाउन है, ठीक है, मोबाइल नाउन है, कोई प्लेस है, कोई शहर है, लाइक ईटानगर, नाहरलगुन, निर्जुली, नाहर, ये भी सब नाउन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है लाइक फैन है, या फिर कोई इंसान है, बॉय गर्ल, कोई एनिमल है, कैट, ये सब आपके नाउन्स हैं। सो एनी नेम दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग इज अ नाउन। नाउन इज अ लैटिन ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। नाउन का सीधा सीधा मतलब ही होता है नेम। ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो सिंपल सा आप मान के चलिए कि वो नाउन है आपका। अब ये काइंडली हटा दीजिए ना, जो ब्लू ब्लू डॉट वगैरह कर रखा है ना, ये इससे मुझे लिखने में प्रॉब्लम आएगी और आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये ब्लू डॉट और ये जो है ये हटा दीजिए, क्योंकि आप सब लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पे, है ना, डिस्टर्ब करने तो नहीं आते हैं दूसरों को। चलिए, तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। आपके सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या हो सकती है, पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। अगर ये आपको ठीक से पता है तो आप गलतियां नहीं करेंगे व्हाइल यूजिंग नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट। क्या आप लोग बता सकते हैं नाउन की पोजीशन सेंटेंस में क्या होती है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, जरा ट्राई करिए। आपके सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या होनी चाहिए भाई, आप किसी भी सेंटेंस में लाइक नाउन यूज करते हैं है ना, तो किस पोजीशन में यूज करना चाहिए, कोई आइडिया है आपके पास, ट्राई करिए एक बार। चलिए उस पर बताता हूँ आपको मैं। एक जो नाउन है ना आपका, इन योर सेंटेंस अ नाउन कैन बी क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, इसके अलावा और क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। एक बार प्लीज ये हटा दीजिए, ये जो डॉट डॉट करके रखा हुआ है ये हटा दीजिए, इससे हम लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो किसी और ने किया हुआ है, यहां से मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके नाउन की पोजीशन होती है इन योर सेंटेंस। एक नाउन जो है वो क्या हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है आपके सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन हो सकता है, एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। एंड दीज आर दी ओनली फोर पोजिशंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, है ना, यही पोजिशंस हैं आपके सेंटेंस में नाउन की। अदर देन दैट वी कैन नॉट यूज नाउन एनीवेयर, इसके अलावा कोई और पोजिशन नहीं होगी।
अब एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ भाई कि हमारे ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, ठीक ये एक सेंटेंस है, ठीक है। राम किल रावण इन श्रीलंका। अब यहां पे जो किल्ड है ये आपकी वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए यहां मैंने नाउन को यूज करा हुआ है ना। नाउन इज अ नेम, सो ये इट रेफर्स टू अ पर्सन, ये नाउन है। रावण इज ऑल्सो अ नेम, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एंड श्रीलंका नेम ऑफ अ कंट्री। तो इस सेंटेंस में मैंने तीन नाउन यूज करे हुए हैं। अब इनकी पोजीशन क्या है? तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी नाउन को वर्ब से पहले यूज करते हैं, इफ इफ अ नाउन इज यूज्ड बिफोर वर्ब, वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर वर्ब से पहले आप किसी नाउन को यूज करते हैं तो उसे आप हमेशा क्या मानते हैं? सब्जेक्ट मानते हैं। वर्ब के बाद जो नाउन यूज करा जाता है दैट इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। और इन क्या है आपका? इन आपका प्रेपोजिशन है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है इन, ऑन, एट वगैरह, तो प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई नाउन आप यूज करते हैं, जैसे कि ये मैंने यूज किया हुआ है नेम ऑफ अ कंट्री, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, इट विल नॉट चेंज, और ये आपको आगे हेल्प करने वाली है, चाहे आपके नाउन के क्वेश्चंस हो, प्रोनाउन के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस हो, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या होता है? इफ वी आर यूजिंग अ नाउन बिफोर वर्ब, इट इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। अगर वर्ब के बाद यूज कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब माना जाएगा। और प्रेपोजिशन के अगर आप बाद यूज कर रहे हैं किसी नाउन को, तो क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। दो लाइन आप लिख सकते हैं इसके लिए, जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बिफोर वर्ब वी हैव सब्जेक्टिव केस, बिफोर वर्ब वी हैव सब्जेक्टिव केस, ठीक है। एंड आफ्टर वर्ब, आफ्टर वर्ब क्या होता है? आफ्टर वर्ब वी हैव ऑब्जेक्टिव केस, हमेशा ये कंफर्म है, इट विल नॉट चेंज। वर्ब से पहले होता है सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब से पहले अगर आप नाउन को यूज करते हैं तो वो क्या है आपका? आप उसे यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वर्ब के बाद आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के जैसे यूज कर रहे हैं, और अगर एक प्रेपोजिशन के बाद में यूज करते हैं तो होगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा आपसे, जेम्स मैरिड जेनी इन अ चर्च, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको पहचानी वर्ब क्या है। सो दिस इज आवर वर्ब इन दिस सेंटेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यहाँ पे वर्ब से पहले जेम्स इज अ नाउन, इसको आपने यूज किया है कैसे? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के जैसे। वर्ब के बाद में अगेन आप एक नाम यूज कर रहे हैं जेनी, इसको आपने यूज किया है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के जैसे। और इन आपका एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, इन इज अ प्रेपोजिशन। यहाँ पे आपने चर्च यूज किया है, दैट इज ऑल्सो अ नेम, अ नाउन। तो यहाँ पे आप कैसे यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन के जैसे।
तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, वो आपको आगे पता चलेगा। चलिए अब लास्ट वाला बचा हुआ है आपका कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे यूज करते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये होता क्या है? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। अभी मैंने कुछ खास पढ़ाया नहीं है आपको, अभी मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटेंस में आपके नाउन की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि अगर आप सही पोजीशन पे नाउन को प्लेस नहीं करेंगे देन इट माइट बी एन एरर, ठीक है? तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख देता हूँ, सी इज अ प्लेयर, ठीक है? ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, सी इज अ प्लेयर। अब इसमें आपको मुझे ये बताना है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? एक बार ट्राई करिए। सी इज अ प्लेयर में सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, जरा मुझे बताइए एक बार, अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो। पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम है ना, आप पार्टिसिपेट करिए मेरे साथ में, तब जाके पढ़ने में हमें ज्यादा मजा आएगा। गलत आंसर होने से भी नो प्रॉब्लम, बस आप बताइए, कोशिश करिए। सी जो सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, कर का प्लेयर ऑब्जेक्ट है ना, हिमांशु रंजन। चलिए तो यही मैं आपसे जानना चाह रहा था ताकि मैं आपको आगे की चीजें बता सकूं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये तो आपने बिल्कुल ठीक से कहा है कि सी इज अ सब्जेक्ट है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। बिकॉज सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, जिनको सब्जेक्ट नहीं बताया मैं बता देता हूं, सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या होता है? द वन हुम वी टॉक अबाउट, द वन हुम वी टॉक अबाउट। तो हम लोग सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का, और वर्ब है आपकी इज, है ना? ये भी ठीक ही है वर्ब। अब यहाँ पे जो प्लेयर है ना आपका, ये प्लेयर नाउन तो है, ये तो कंफर्म है, ये नाउन है, बट ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, है ना? ये यार क्या, क्यों लाइन वाइन कर रहे हो आप लोग, क्यों नहीं पढ़ना नहीं है तो बस चले जाओ क्लास में से, ये मैं ऐसे पढ़ा पाऊंगा अगर ऐसे करोगे आप तो? इतना तो आप लोग को समझना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे है वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। अब यहां पे हम लोग इसको ऑब्जेक्ट समझ रहे थे, जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है और कब सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वो हमें समझना है, ठीक है? अब यहाँ पे ये नजर नहीं आता है ना, आप जो करगा बोल रहे हैं कि कौन लाइनिंग कर रहा है, नाम थोड़ी ना लिखा आता है, प्रॉब्लम ये है। लेकिन आप लोग इनफ समझदार स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सिंसियर हैं ना, मैं यही मान के चलता हूँ। आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुबह सुबह टाइम दे रहे हैं, होपफुली आपको भी कुछ चीजें चाहिए होंगी, है ना? आप अपना फायदा करिए, पढ़िए, समझिए। ऐसे ये तो इमेच्योर बिहेवियर हो गया कि आप क्लास में आके बच्चों की तरह करने लगते हैं लाइन खींच के। तो चीज अ प्लेयर में ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हमें पहले, मैं पेज को चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं।
और नाउन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये आप ध्यान रखिएगा। नाउन आपको हमेशा हेल्प करेगा इन सॉल्विंग दी अदर क्वेश्चंस, है ना, चाहे वो आपके प्रोनाउन के हो, एडजेक्टिव के हो, या फिर वर्ब के हो। क्योंकि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन ही बनता है हमेशा, नाउन या प्रोनाउन। चलिए तो एक बार मैं दोबारा से इस सेंटेंस को लिख लेता हूँ जो मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ था, या कोई भी सेंटेंस हम लोग ले सकते हैं, किसी एक सेंटेंस की जरूरत नहीं। सिपाही से सी इज अ प्लेयर। अब इस सेंटेंस में जैसे मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो ये आपका क्या करता है, सब्जेक्ट को ही रेफर बैक करता है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सी कौन है, सी ही तो प्लेयर है और प्लेयर ही सी है ना। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो कि आपके सब्जेक्ट को ही मीनिंग प्रोवाइड करे, उसी को कॉम्प्लीमेंट करे, उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये चीज आपके ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपसे अभी कहा ना कि सी ही प्लेयर है और प्लेयर ही सी है, तो अब मान लीजिए मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इफ वी से, सो एक मिनट, अगर मैं कहता हूं सी बॉट वेजिटेबल्स, इफ आई से सी बॉट वेजिटेबल्स, अब आप क्या ये कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स ही सी है और सी ही वेजिटेबल्स है? अब आप ये चीज नहीं बोल सकते, है ना। यहां पे तो आप बोल सकते थे कि प्लेयर ही सी है और सी ही प्लेयर है, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि वेजिटेबल्स ही सी है और सी ही वेजिटेबल्स है। तो यहाँ पे इससे एक बात हमें पता चल जाती है कि ये जो वेजिटेबल्स है ना, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये जो व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग लाइन, हाउ टू आइडेंटिफाई, है ना, इनके बीच में कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें, तो एक चीज याद रखिएगा, देर इज अ काइंड ऑफ वर्ब वी कॉल इट बी वर्ब, है ना। बी वर्ब इज अ वर्ब फॉर्म, और बी वर्ब के बाद हमेशा होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। आफ्टर बी वर्ब वी ऑलवेज हैव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बी वर्ब कैसे क्या होती है, अगर मैं आपसे बात करूं तो हो सकता है कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। मैं आपको बता दूं कि कल तो शायद क्लास का टाइमिंग लेट हो गया था, लेकिन नॉर्मली आप 7:30 तक आ जाइए सब लोग ना। शायद आप लोगों को लगा होगा कि आज भी 8 बजे से टाइमिंग है, तो टाइमिंग आपका 7:30 ही है और आप 7:30 पे प्रेजेंट रहिए। तो बी माने होता है होना, होना मतलब जैसे आपने कहा आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर, अ टीचर, तो इसका मतलब क्या है, मैं टीचर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, है ना। तो होना या बनना को हम लोग बी कहते हैं। और इसकी और भी वर्ब फॉर्म्स होती है, जैसे कि प्रेजेंट में होती है इज आर एम, पास्ट में होती है वॉज वर्ब। इस बी में अगर मैं आई एन जी लगा देता हूं तो ये बन जाता है बी, और इस बी में अगर मैं ई एन जोड़ देता हूं, जैसे हम लोग करते हैं थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो ये बन जाता है बीन, है ना। तो ये आपकी बी वर्ब्स हैं, इज आर एम, वॉज वर, बीइंग एंड बीन। और ये बी वर्ब कब होती है, व्हेन वी आर यूजिंग देम विदाउट मेन वर्ब, ये भी ध्यान रखना, व्हेन यूजिंग विदाउट मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब के आपको इन्हें यूज करना होता है, तब ये आपकी बी वर्ब होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इज, आपने कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं किया है कि प्लेइंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंपल सिंपल लिखा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब जैसे अगर मैं लिख देता, सी वॉज एन इंजीनियर, ठीक है, सी वॉज एन इंजीनियर, तो यहाँ पे अगेन इंजीनियर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इंजीनियर किसको दिखा रहा है, सी को ही तो दिखा रहा है, इंजीनियर कौन है, सी ही तो इंजीनियर है ना।
तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है, वो सब्जेक्ट को ही रेफर बैक करता है, और ये आपका इंजीनियर एक नाउन है। तो फिलहाल मैंने आपको नाउन की चार पोजीशन बताई है जो कि आपके सेंटेंस में हो सकती है ना। और सब्जेक्ट वाली पोजीशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी के हिसाब से आपको वर्ब यूज करनी होती है। जैसे अगर आप लिखोगे अ बॉय, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज कर लोगे, अ बॉय इज, है ना, या अ बॉय वॉज। बट इफ यू से बॉयज, तो फिर आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ जाएगी, बॉयज आर, बॉयज वर, बॉयज हैव, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट आपकी वर्ब को अफेक्ट करता है, और साथ ही साथ वो आपके प्रोनाउन के यूज को भी इफेक्ट करता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पोजीशंस के बारे में पता रहे। अब एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके सामने। ईच ऑफ द बॉयज हैव ज्वाइन द क्लास। अब बस मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताने का ट्राई करिए, ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। ईच ऑफ द बॉयज हैव ज्वाइन द क्लास, एक बार ट्राई करिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरह से आपका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना आपको हेल्प कर सकता है ना। तो ईच ऑफ द बॉयज हैव ज्वाइन द क्लास, इस सेंटेंस में व्हाट डू यू थिंक, डू वी हैव एनी एरर इन दिस सेंटेंस? नो प्रॉब्लम, आपका आंसर गलत होगा ना तब भी दिक्कत नहीं है, आप आंसर कमेंट कर सकते हैं सब लोग। ईच ऑफ द बॉय, हिमांशु रंजन ने किया है ईच ऑफ द बॉय, है ना। बाकी लोग ट्राई करिए, से लास्ट टाइम पर्टिन थे, है ना, करगा है, तो ये सब लोग ट्राई करें आंसर करने का। अब देखिए मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ, ईच ऑफ द बॉयज हैज, है ना, पर्टिन ने कमेंट किया है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि ईच ऑफ दी के बाद में पहले तो बॉयज ही यूज करना पड़ेगा आपको, है ना, बॉय नहीं होगा, इसके बाद में बॉयज लिखना है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि बॉयज के बाद में मैंने यूज किया है प्लूरल वर्ब हैव, है ना, प्लूरल वर्ब, जो कि सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है ना। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज हैज। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारे सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट है ईच, ठीक है। ईच हमारे सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट है, और ईच इज अ सिंगुलर वर्ड एक्चुअली, तो इसीलिए हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव यूज ना करके हैज यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो ऑफ है ये क्या था, आपका प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आप एक बार जान लो, आफ्टर प्रेपोजिशन वी ऑलवेज हैव ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्रेपोजिशन वी ऑलवेज हैव ऑब्जेक्ट, और आपके सेंटेंस की वर्ब जो है ना हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो वर्ब से पहले, वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, है ना, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ये सब चीजें जब आप पहचानने लग जाएंगी तो आपके एरर्स अपने आप ठीक होने लगेंगे, ठीक है। चलिए तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया पोजिशन के बारे में कि क्या पोजिशन हो सकती है। नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स, अब हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। एक बार ट्राई कर लीजिए बताने का टाइप्स कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4, क्या लगता है आपको नाउन के टाइप कितने होते हैं? 5, है ना, हिमांशु रंजन, रोहित कुमार ने आंसर किया था, आई थिंक हैज होगा, हैज है, बिल्कुल सही है। अब देखिए जहां तक हम लोग टाइप्स की बात करेंगे, सो देर आर ओनली 2 मेन टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, देर आर ओनली 2 मेन टाइप्स ऑफ नाउन, ये आपको ध्यान रखना है। देर आर ओनली
दो वर्ड के बीच अगर ऑफ प्रेपोजिशन होता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग वर्ब होगा। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ रोहित कुमार, के प्रेपोजिशन के बाद में जो भी आपका आएगा ना, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, और सेंटेंस की वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती, वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। अभी ये चीज हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। देयर आर ओनली टू मेन टाइप्स ऑफ नाउन। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, देखिए ये आपके जो मेन टाइप यही होते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा सा अपनी अप्रोच को बदलने की जरूरत है। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं भाई, पता होगा आपको, जिनको हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल मीन समथिंग दैट वी कैन नॉट काउंट, वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं। अब काउंटेबल के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, लेट्स सी। काउंटेबल के अंदर वी हैव कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड मटेरियल नाउन, ये आपके काउंटेबल होते हैं, मटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल के अंदर कौन से होते हैं? देर आर टू, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये पांच बन जाते हैं, बट मेन आपके दो ही रहते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इन काउंटेबल वी हैव कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव, इन अनकाउंटेबल वी हैव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। इसके अलावा एक और होता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अभी नहीं कर रहे हैं, कर लेंगे, लेकिन कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, जिसमें से कॉमन, प्रॉपर, कलेक्ट, ये मैंने गलत लिख दिया है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव होना चाहिए था। तो ये आपके काउंटेबल है, ये आपके अनकाउंटेबल है, ठीक है। नाउ विल बिगिन विद काउंट, कॉमन एंड प्रॉपर, के इनके बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। क्या आप मुझे कॉमन नाउन की डेफिनेशन बता सकते हैं, अगर आपको किसी को डिफाइन करना हो तो, व्हाट इज कॉमन नाउन? मैं आपसे एग्जांपल्स नहीं पूछ रहा हूं, मुझे डिफाइन करके बताइए एक बार प्लीज, अगर आपको किसी छोटे से बच्चे को समझाना हो, लाइक अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, कि कॉमन नाउन क्या है, तो आपके अकॉर्डिंग कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, जरा एक बार बताइए। आप चाहे तो बोल भी सकते हैं, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की अगर आपसे डेफिनेशन मैं पूछ लूं तो आप क्या कहोगे? देखिए, हमारे पढ़ने का जो पर्पज है वो केवल चीजों को रटना नहीं, हम लोग समझना भी चाहते हैं ना, और ट्रस्ट मी, आप अगर समझ के पढ़ेंगे चीजों को, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, एग्जाम क्रैक करने में भी आसानी होगी, और आपको बार बार इंग्लिश की क्लास या कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। बेटर है हम लोग समझ के पढ़ें, उसके पीछे का साइंस हमें पता हो। तो कॉमन नाउन की चलिए मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, किसी ने कमेंट किया हुआ है, रेफर टू ग्रो, है ना, थोड़ा सा इसको सही करने की जरूरत है। कॉमन नाउन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एनी नेम, एनी नाउन और एनी नेम दैट रेफर्स टू अ होल क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, अ होल क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो कॉमन नाउन का सिंपल सा मतलब क्या है? एक ऐसा नाम, एक ऐसा नाउन
जो कि किसी भी चीज की पूरी क्लास को, पूरी की पूरी ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है, दैट वी कॉल अ कॉमन नाउन, है ना। सो एनी नाउन दैट दैट रिप्रेजेंट्स और दैट रेफर्स टू अ होल क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज की पूरी क्लास को, पूरी की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भाई मैंने आपसे कहा बॉय, तो बॉय क्या है भाई? बॉय इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ अ बॉयज, मतलब बॉय एक ऐसा वर्ड है दैट इज कॉमन फॉर ऑल द बॉयज इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितने भी लड़के हैं उन सबके लिए एक कॉमन नाउन नाम हम लोग यूज कर लेते हैं, दैट इज बॉय। तो ये क्या करता है? इट रेफर्स टू ऑल द बॉयज, है ना, पूरी की पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ टाइगर, सो टाइगर इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन एंड इट रेफर्स टू द होल क्लास। ये पूरी की पूरी पर्टिकुलर उस एनिमल की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर देगी, ध्यान रखना। तो कॉमन नाउन का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा नाम जो कॉमन है उस तरह की सभी चीजों के लिए। अब दुनिया में कोई भी टाइगर क्यों ना हो, उसको मैं टाइगर ही बोलूंगा क्योंकि वो एक कॉमन वर्ड है दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द टाइगर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए मैं पहले पेज को चेंज कर लेता हूं। तो जैसे आपने देखा कि भाई कॉमन नाउन का मतलब दैट रिप्रेजेंट्स और दैट रेफर्स द होल क्लास। अब एक बार हम लोग डिफरेंस और समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच डिफरेंस क्या हो सकता है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मैंने कहा बॉय, ठीक है, जैसे गर्ल, जैसे कंट्री, कंट्री इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू द होल क्लास ऑफ कंट्रीज, है ना, जो कि दुनिया की सभी देशों के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आपने कहा सिटी, लैपटॉप, है ना, ये आपके कॉमन नाउन्स हैं। और कॉमन नाउन्स कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं, आप इन्हें गिन सकते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन बड़ा सिंपल है, किसी ने कमेंट भी किया हुआ है, चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज फॉर ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। चलिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्हेन वी कॉल समवन समथिंग सम प्लेस बाय देयर नेम्स। जब हम किसी व्यक्ति को, स्थान को उसके नाम से बुलाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, ध्यान रखिएगा। आई रिपीट, व्हेन वी कॉल समवन समथिंग सम प्लेस बाय देयर नेम्स इट इज अ प्रॉपर नाउन। जैसे अगर आप किसी इंसान का नाम बोल देते हैं, लाइक इफ यू से रोहित, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। अगर आप किसी लड़की का नाम बोल देते हैं सीमा, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। अगर आप किसी कंट्री का नाम ले लेते हैं इंडिया, देन इट इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर आप किसी सिटी का नाम लेते हैं ईटानगर, देन इट इज अ प्रॉपर नाउन। अगर आप किसी, लाइक आपने कहा भाई डेल का लैपटॉप है, इट इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का बड़ा सीधा सा मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को उसके नाम से बुलाते हैं, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन के अंदर क्या होता है? ये आप यूज करते हैं कि पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सके। लाइक बॉय है तो बॉय रिप्रेजेंट्स ऑल द बॉयज इन द वर्ल्ड, द वर्ड गर्ल रिप्रेजेंट्स ऑल द गर्ल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको इन द बिगिनिंग बताया था कि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, और काउंट करने का मतलब क्या होता है? इफ एनी नाउन इज काउंटेबल इट मीन्स हम लोग उसे प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, इफ एनी नाउन इज काउंटेबल इट मीन्स वी कैन मेक इट प्लूरल, वी कैन मेक इट प्लूरल। ये आप ध्यान रखना क्योंकि अगर कोई भी नाउन काउंटेबल है, हाँ बिल्कुल, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट जॉय, है ना, रिकॉर्डेड आपको वीडियोस सारे मिलेंगे, हर एक क्लास के मिलेंगे, तो उसके बारे में चिंता मत करिए। अब जो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये कलेक्टिव आई मीन ये काउंटेबल्स हैं, और काउंटेबल्स को हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान क्या रखना है,
जैसे मैंने कहा बॉयज, ठीक है हो जाएगा, गर्ल्स कर सकता हूँ मैं, ठीक है, लैपटॉप्स कर सकता हूँ मैं, कंट्री को मैं कंट्रीज कर सकता हूँ, है ना। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन्स, तो प्रॉपर नाउन को बनाते समय प्लूरल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि अगर सिचुएशन अलाउ करे तब तो आप उसे प्लूरल बना लेना, बट इफ सिचुएशन डजंट अलाउ देन डोंट मेक इट प्लूरल। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग बात करें इंडिया और ईटानगर के बारे में, तो क्या मैं इंडिया और ईटानगर को प्लूरल कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज ओनली वन कंट्री इंडिया, देयर इज ओनली वन सिटी और कैपिटल ईटानगर, है ना। तो इनको प्लूरल करना पॉसिबल नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। नॉर्मली हम लोग यही पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन्स जो हैं उनको हम लोग प्लूरल नहीं कर सकते, बट इट इज नॉट द केस ऑलवेज। जैसे मान लीजिए अगर एक क्लास में पांच लड़के हैं और पांचों लड़कों का नाम राम है, ठीक है, तो मैं क्या ऐसे नहीं बोल सकता देयर आर फाइव राम्स इन माई क्लास? मैं ऐसे बोल सकता देयर आर फाइव राम्स इन माई क्लास। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक प्रॉपर नाउन को मैंने क्या कर दिया, प्लूरल बना दिया, ये प्रॉपर नाउन है ना, इसको मैंने प्लूरल बना दिया। तो कुल मिला के प्रॉपर नाउन्स जो है वो प्लूरल बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट सही हो, क्योंकि पॉसिबल है कि एक ही नाम आई मीन राम नाम के पांच सात लड़के हो सकता है ना, बट ये पॉसिबल नहीं है कि कोई दो कंट्रीज के नाम इंडिया हो या फिर दो चार शहर ऐसे हो जिनका नाम ईटानगर हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाइल मेकिंग अ प्रॉपर नाउन प्लूरल आपको ध्यान रखना है, इफ कॉन्टेक्स्ट अलाउज यू टू डू दैट आप कर लीजिए, अदरवाइज डोंट मेक इट प्लूरल, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कॉमन नाउन भी काउंटेबल है, प्रॉपर नाउन भी काउंटेबल है, बट कॉमन नाउन को आप प्लूरल कभी भी बना सकते हैं और प्रॉपर नाउन को हमेशा प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये था कॉमन एंड प्रॉपर। अब हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, ये थोड़ा सा अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आपके क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं। तो कलेक्टिव नाउन को सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। कलेक्टिव नाउन जो है, द वर्ड कम्स फ्रॉम कलेक्शन, द वर्ड कम्स फ्रॉम कलेक्शन, है ना। कहाँ से आता है ये वर्ड? आपका कलेक्शन से आता है, कलेक्शन बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट अ ग्रुप, इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप, ये हमेशा आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ना। लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा काइंडली म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप समझ नहीं रहे, पढ़ाने में डिस्टरबेंस होता है बहुत ज्यादा ना। मैं कंसंट्रेट करके आप लोगों को अच्छा पढ़ा पाऊं उसके लिए हम लोग का शांति से बैठना बहुत जरूरी है। माइक को म्यूट करके रखिए प्लीज। बस माइक को आप लोग म्यूट करके रखिए। वीडियो फ्रीज, वीडियो फ्रीज तो नहीं होना चाहिए, वीडियो फ्रीज क्यों होगा, एक बार बता दीजिए वीडियो सही चल रहा है। एक मिनट एक मिनट, वीडियो तो सही चलना चाहिए, सही जगह पे सही पेज पे चल रहा है वीडियो तो आपका, एक बार और कमेंट कर दीजिए। हाँ चल रहा है ना, HW के बोल रहे हैं स्टक, आईपैड नहीं चल रहा है, अभी चल रहा होगा, एक बार ट्राई कर लीजिए, अभी चल रहा होगा ना। मैं इसीलिए तो आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट मुझे भी करने दीजिए, लाइन वाइन ये सब करते रहते हैं तो मेरा ध्यान वहीं चला जाता है। चलिए अभी चल रहा होगा आई थिंक, तयुम याना नहीं चल रहा है, मेरा तो नेटवर्क कनेक्शन भी ठीक है, सब
कुछ ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ पेज आपके सामने, है ना, उसको मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ दोनों को। जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ पेज को, है ना, तब जाके शायद ठीक हो जाए। बस आप मुझे बता देना कमेंट करके कि हाँ सही हो गया है, मैंने शेयर दोबारा कर दिया है आप लोगों को पेज, काइंडली आप एक बार कमेंट कर देना। यस ना, चोए, चलिए, यस ठीक है, ओके ओके। चलिए तो कलेक्टिव नाउन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन, ठीक है, एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ बॉयज, तो आप मुझे इतना बताओ कि बॉयज कलेक्टिव नाउन है कि नहीं? अगर आपके सामने मैं बॉयज लिख देता हूँ तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बॉयज कलेक्टिव नाउन है या नहीं है। आपका नाम लिखा आ रहा है भाई, SHU सू, है ना, जो आप लाइन कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन है, चलिए तो अब यहां पे देखिए ये थोड़ा सा गलत है, बॉयज आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है ना, बॉयज कलेक्टिव नाउन नहीं। तो जो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट ना, चलिए तो बॉयज क्या है आपका? ये प्लूरल नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये आप ध्यान रखें, बॉयज इज अ प्लूरल नाउन, है ना। कलेक्टिव नाउन होने के लिए क्या जरूरी होता है? इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप, और इसके आगे मैं लिखूंगा व्हाइल बीइंग इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। While being in its singular form, तो कोई भी नाउन कलेक्टिव नाउन कब होगा? जब वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके, बट कैसे? अपने सिंगुलर फॉर्म में होगी। और अगर आप यहाँ बॉयज देखते हैं तो बॉयज आपका सिंगुलर फॉर्म में तो नहीं है, बॉयज आपका प्लूरल फॉर्म में है। इट मीन्स ये आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है, कलेक्टिव नाउन होने के लिए बड़ा जरूरी है कि वो सिंगुलर फॉर्म में होके भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके, ये आपको ध्यान रखना है, वाइल बीइंग इन इट्स सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो अगर कोई नाउन सिंगुलर फॉर्म में होके भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाए तो आप उसे कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, ठीक है। तो बॉयज इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखता हूँ ऑफ कलेक्टिव नाउन, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं टीम, तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है। टीम एक कलेक्टिव नाउन कैसे है? क्योंकि टीम रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखिए आप, ये मैंने जो टीम लिखा हुआ है ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसको कलेक्टिव दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे एस लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई नाउन सिंगुलर फॉर्म में होके भी एक कलेक्शन को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाए, देन वी कैन कॉल इट अ कलेक्टिव नाउन, है ना। तो टीम, टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। देन वी हैव आर्मी, आर्मी भी कैसा नाउन है, आर्मी इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, बिकॉज ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है कि नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। उसी तरह से अगर मैं आपके सामने लिखूं फैमिली, तो फैमिली इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, है ना। फैमिली कैसा नाउन है, फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहां पे एक किसी भी एक इंसान की तो फैमिली हो नहीं सकती, फैमिली होने के लिए एटलीस्ट देर आर टू पीपल, हस्बैंड वाइफ, है ना, उनके अगर बच्चे हैं तो
कुल मिला के वो एक ग्रुप है, तो फैमिली इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स रिलेटेड बाय ब्लड। ठीक है, तो ये आपके क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। अब और कौन कौन से हो सकते हैं, मैं एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहा हूं, और वो सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में ही होंगे, उनका प्लूरल फॉर्म में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है इन ऑर्डर टू बी अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, सो कमिटी हो सकता है, कमिटी, काउंसिल हो सकता है, ज्यूरी हो सकता है, ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, स्टाफ हो सकता है। ठीक है, क्रू हो सकता है, एंड क्राउड हो सकता है। देन वी हैव अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। ठीक है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि फ्लावर्स कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड नहीं है, दैट वर्ड इज बुके, है ना। यहाँ पे भी बंच जो है वो कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि ग्रेप्स और कीज। तो ये आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स में लिख रहा हूं। कुछ कलेक्टिव नाउन्स प्री डिफाइंड होते हैं, एंड देयर आर सम जिनको हमें बाय यूजिंग टू और थ्री वर्ड्स हमें उन्हें फॉर्म करना पड़ता है। ये क्या है, HERD, हर्ड लिखना चाह रहे हैं आई थिंक आप। एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं आपके सामने, जैसे सेंटेंस छोड़िए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। ये मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। अब यहां पे आपके पास चार ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, चार ऑप्शंस रहेंगे, फ्लॉक, आर्मी, गैगल एंड हार्ड। अब क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इनमें से आपका आंसर कौन सा हो सकता है? जॉय ने कमेंट किया हुआ है फ्लॉग। ये आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बिल्कुल आ सकता है, चाहे वो CHSL का हो, CSL का हो, है ना। सो अ फ्लॉक ऑफ गीज, आर्मी ऑफ गीज, गैगल ऑफ गीज, या हर्ड ऑफ क्लीज, तो इनमें से क्या लगता है? एक ने तो कमेंट कर दिया है, एक स्टूडेंट ने, बाकी लोग ट्राई कर लीजिए। तनोरांग गाओ, इन्होंने भी फ्लॉक कमेंट किया हुआ है, तो इसीलिए आपके कलेक्टिव नाउन्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ना। अब यहां मैं आपको बता देता हूं, सही आंसर जो है दैट इज गैगल। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका, गैगल ऑफ गीज होता है। एक एक देयर इज अ काइंड ऑफ बर्ड होता है गूज, गूज का प्लूरल फॉर्म होता है गीज, है ना। और जब इसके ग्रुप की बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गैगल, गैगल ऑफ गीज होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस मैं आपके सामने और लिखता हूं, एक सिंपल सेंटेंस है, इसको आप आई थिंक बता पाएंगे। सी केम अक्रॉस बॉल्ब्स लिखा हुआ है, ये
अब ये सेम सेंटेंस में क्या लिखा है, सी केम अक्रॉस अ ऑफ वॉल्व्स ऑन द वे टू द माउंटेन्स। केम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, है ना, जब आप अचानक से किसी से टकरा जाते हैं, किसी को मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कम अक्रॉस इज अ फ्रेजल वर्ब, एग्जाम्स में आती है फ्रेजल वर्ब। इसके चार ऑप्शंस मैं लिख देता हूं आपके सामने, आर्मी ऑफ वॉल्व्स, गैंग ऑफ वॉल्व्स, पैक ऑफ वॉल्व्स, फ्लॉक ऑफ वॉल्व्स। तो क्या लगता है आपको इन चारों में से क्या आंसर होना चाहिए? सी केम अक्रॉस, चलिए कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल पर्टिन, रोहित कुमार, जॉय, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए सही आंसर तो पैक होगा, जिन्होंने पैक आंसर कमेंट किया है उनका जवाब सही है, इट इज अ पैक ऑफ वॉल्व्स। ठीक है, भेड़ियों का जो ग्रुप होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, अब पैक बोलते हैं, पैक ऑफ वॉल्व्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे, क्लास को एंड करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो क्रोज होते हैं, क्रोज, उन क्रोज के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल अ ग्रुप ऑफ क्रोज, है ना, क्रो समझते हैं ना, कौवा, हिंदी में कौवा बोलते हैं। इसके लिए ऑप्शंस भी दे देता हूं आपके पास में, ऑप्शन देख लो आप एक बार फिर बता देना। ठीक है, ऑप्शन में आपके सामने है मर्डर, किडनैप, रॉबरी या फिर फ्लॉग। किसी ने अच्छा, ग्रुप U0 आपने कमेंट किया है ना, ठीक है, लेकिन आपके सामने ऑप्शंस ये हैं, चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है मर्डर, सबसे दूसरा वाला किडनैप, तीसरा वाला रॉबरी और चौथा वाला फ्लॉग। तो क्रोज के ग्रुप को क्या कहोगे, मर्डर, है ना। पर्टिन ने आंसर दिया है और भी लोगों ने शायद कमेंट किया है, रोहित कुमार, चलिए बहुत बढ़िया है, जवाब आपका सही है, इट इज कॉल्ड अ मर्डर ऑफ क्रोज, है ना। तो ग्रुप ऑफ क्रोज के लिए वर्ड पर्टिकुलर क्या है, मर्डर ऑफ क्रोज है। चलिए आज के लिए काफी है, थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हुई, थोड़ा सा वही कंसंट्रेट नहीं कर पाया मैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है, लाइन वाइन मत करिए प्लीज आप लोग ना, आप देखिए ये लाइन वगैरह है, कैसे पढ़ा पाएंगे और पढ़ पाएंगे हम लोग ऐसे। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, कल की क्लास में मैं आपको बता देता हूँ वो क्या डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में मैं फर्दर आपको बताऊंगा कलेक्टिव नाउन के बारे में, और कलेक्टिव नाउन से जो क्वेश्चंस दैट दे आस्क इन योर एग्जाम वो प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको डील करना है विद कलेक्टिव नाउन्स, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे अबाउट मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और उनके क्वेश्चंस डील करेंगे, और ये सब कंप्लीट करके कल हम लोग आई थिंक स्टार्ट कर लेंगे नाउन एंड नंबर। ठीक है, जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये केवल एक बेसिक क्लास थी अबाउट नाउन, जिसमें मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि नाउन एग्जैक्टली क्या होता है, टाइप कितने होते हैं और कैसे आपको यूज करना है। अभी धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा बढ़ रहे हैं जिन चीजों की तरफ जिनकी हमें एग्जैक्टली जरूरत है, लाइक किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, किस तरह के क्वेश्चंस आपको नाउन में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए थैंक यू एवरीबॉडी, कल ही डिस्कस करते हैं सारी चीजें, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, चलिए गुड डे एवरीबॉडी, थैंक यू अगेन, कल सब लोग टाइम से आ जाइएगा आप लोग, हाँ चलिए कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है, बिल्कुल सही है, चलिए तो कल मिलते हैं 7:30, चलिए थैंक यू सो मच, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, आप लोग भी लीव कर सकते हैं।